हेलो, मैं गीता अवस्थी आपके लिए ढोलक का तीसरा भाग लेके आई हूँ। प्लीज देखिए और सीखिए धैर्य के साथ। आपको पहले मैंने थपाक लेना और उंगलियाँ चलाना सिखाया हुआ है, उसके आगे दोबारा फिर मैं आपको तीसरे स्टेप में उंगलियाँ सिखा रही हूँ और दोनों हाथ चलाना सिखाऊंगी। तो प्लीज आप धैर्य के साथ सीखिए, प्रैक्टिस से ही आती है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए और सीखिए। देखिए उंगलियां चलाना कैसे हम सिखा रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे 3 उंगलियां रखिए आप यूं सामने और ऐसे 2 उंगलियां चलाइए। पहले दूसरी, पहली उंगली दूसरी के पास, 2 उंगलियां फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे आएंगी ऐसे। जब पहली उंगली मारेंगे तब 2 उंगलियां उठी रहेंगी, जब दूसरी उंगली में तब तीस पहली उंगली उठी रहेगी ऐसे। मुझे उम्मीद है इतना तो आपने सीख ही लिया होगा ऐसे। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अभी देखिए चला के दिखाती हूँ दोनों बार। आपका हाथ चलने लगा होगा, आप अगर बजा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो काफी दिन हो गए हैं, करीब 1 महीना हो गया है आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। अगर जिनको नहीं भी आया तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आप हाथ चलाइए ऐसे 1 2 3। अगर आपका अच्छे से हाथ चलने लगा तो आपको गिनतियों की काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप सीखिए 1 ऐसे ऐसे। जब पूरा स्टेप 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा तो एक बार ही मार देते हैं 1 2 3 4। गाना भी गा सकते हैं जैसे सीताराम 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 चाहिए चाहिए मीठी रखे राम चाहिए मीठी रहिए सीताराम 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 चाहिए चाहिए मीठी रखे राम चाहिए मीठी रहिए चाहिए मीठी रखे राम चाहिए मीठी। वैसे भी आपने सुगम संगीत में अच्छे से ढोलक बजाते देख रहे हैं, दोनों हाथ मेरे दिखते हैं, कभी लेफ्ट दिखता है कभी राइट दिखता है, कभी उंगलियां दिखती कभी थपाक दिखता है। तो जब भी आप गाना देखें मेरा, उसके साथ में मेरे ढोलक को भी देखते रहे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी गाने के साथ में कैसे बजाते हैं। ओके, थैंक यू।